नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों 2003 बहुत ही स्पेशल है। इस साल में चंद्रयान 3 लॉन्च हुई है। ये इंडियन के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप लोग सोच रहे हो लियो के ग्लिम्स के बारे में बताने वाला था, ये क्या बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक तो आप लोगों ने तो लियो की जो संजय दत्त ग्लिम्स देख चुके हैं। लियो में संजय दत्त के नाम होगा एंथनी दास। इस ग्लिम्स में संजय दत्त की एंट्री के साथ जो म्यूजिक है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अनिरुद्ध सर की जो म्यूजिक है वो तो बेहतरीन होती है, क्योंकि हमने विक्रम में देखा है और विक्रम की झलक इस मूवी में देखने को मिला है। कुछ न्यूज में बोला जा रहा है कि जो एंथनी दास की जो ग्लिम्स निकली है इसमें जो फोन कर रहे थे वो सूर्या से कर रहे थे, जो है 3 छोटे शब्दों की यूनिवर्स है LCU। उस यूनिवर्स की हेड विलन है हमारी सूर्या, जिसकी झलक हम लोगों ने विक्रम मूवी की एंडिंग में रोलेक्स की एंट्री में देखा था। इतनी खतरनाक एंट्री इससे पहले मैंने कभी किसी विलन की नहीं देखी है। कुछ दिन पहले एक न्यूज में आया था कि लियो मूवी में थलपति विजय होंगे और थलपति विजय के साथ एक शेर होगा, और थलपति विजय के साथ शेर की कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये जो ग्लिम्स निकला है संजय दत्त की, जिसमें संजय दत्त की नाम एंथनी दास होगा, उसके साथ एक बातचीत तस्वीर दिखाया है, इससे हम लोगों को इशारा दिया जा रहा है कि जो एंथनी दास होंगे वो बहुत ऊंचे लेवल की विलन होंगे और सबके ऊपर नजर रखेंगे। जब एंथनी दास को बाज के साथ कंपेयर किया गया है तो उसकी गुरुदेव जो रोलेक्स है उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? बाज की जो डेफिनेशन है हम लोगों ने इससे पहले विक्रम मूवी में भी देखा है, जो कमल हासन के साथ दिखाया था। ऐसे में लियो मूवी में कैरेक्टर को रिवील किया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादा कन्फ्यूज अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा कन्फ्यूज से हम लोग भी कन्फ्यूज हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा विक्रम मूवी में जो विलन थे विजय सत्यवती, उनके साथ विलन गैंग की शुरुआत हुई है LCU यूनिवर्स की। दोस्तों अगर आप लोग देखो संजय दत्त की साउथ में डंका बहुत ज़्यादा बज रही है, जैसे KGF 2 अब लियो। दोस्तों साउथ के साथ बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होगा और देखने को भी हम लोग मजा आएगा। कुछ न्यूज में बोला जा रहा है कि जो एंथनी दास की जो कैरेक्टर होगा वो थलपति विजय के पिता होंगे, और थलपति और एंथनी दास के बीच टक्कर होगी और एंथनी दास की बॉस होंगे हमारे रोलेक्स। ऐसे में साउथ की जो यूनिवर्स बन रही है लोकेश कनक राज की यूनिवर्स, उसके साथ साथ बॉलीवुड में भी यशराज फिल्म की जो जासूसी की यूनिवर्स बन रही है उनके साथ बहुत टक्कर होने वाली है। कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? दोस्तों देखा जाए तो बॉलीवुड में पठान तो धमाल मचा चुका है, उसके बाद धमाल मचाने आ रही है जवान, लेकिन 22 साल बाद और एक मूवी आ रही है, वो है गदर 2, जो 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसके साथ साथ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए लोकेश यूनिवर्स की जो मूवी आ रही है उसको भी भूलना नहीं चाहिए। पहले तो हम लोगों ने कैथी और विक्रम देख चुके हैं, इस बार देखने वाले हैं लियो। तो दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये लियो मूवी देखने के लिए, कमेंट में जाकर फटाफट बताओ आप अपने अपने ओपिनियन। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो कितना अच्छा लगा है और कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।